और लीजिए ना दीदी। नहीं भाभी, कहो। आप ही पूछिए। तुम कहो ना। आप ही पूछिए ना। छोटे, मुझे एक बात पूछनी है। क्या है दीदी, पूछिए। मेरे संतोष के लिए वैश्य को दोगे क्या? भर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं वैष्णु को देना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? वो मेरी अपनी है, उसको बचपन से ही मैं अपनी बहू मानती आई हूँ। सॉरी दीदी, कुछ और पूछो। क्यों छोटे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं दीदी, अगर प्रॉब्लम है तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, पर वैष्णु नहीं। गलती हो गई, आज मैं कितनी पराई हो गई। आज के बाद इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी। रुको दीदी, ऐसे खाना छोड़कर उठना आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है। नहीं भाभी, मैं हमेशा यही सोचती थी, दूर ही सही मगर मेरा अपना तो कोई है, पर आज से ये भरोसा भी टूट गया। जहां मेरी इज्जत नहीं है वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए बेकार है। चलती हूँ। दीदी दीदी, ये क्या किया आपने? घर आई हुई दीदी को इस तरह से रुलाकर भेज दिया? क्योंकि बाद में मेरी बेटी को कहीं ना रोना पड़े। दीदी को भी दिल से चाहते हैं। आज से ठीक 25 साल पहले दीदी ने भी किसी से प्यार किया था, तब पिताजी की इज्जत के बारे में उन्होंने कभी भी रत्ती भर भी नहीं सोचा, जाकर शादी करके घर बसा लिया। देख रही हो ना, हर वक्त मैके को याद करके आंसू बहाती है। उसे हर वक्त इंतजार रहता है कि कोई ना कोई आए। जो गलती मेरी बहन ने 25 साल पहले की थी वो गलती अब दोहराना नहीं चाहता। नहीं नहीं, शादी के कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच सिर्फ प्यार ही होता है, कुछ ही दिनों बाद उनके बीच जिम्मेदारियां आ जाती हैं, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसी वक्त लड़की को अपना दुख बताने के लिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ससुराल में बड़ा परिवार होना चाहिए। देखो सीमा, जिस घर में मैं अपनी बेटी को भेजने वाला हूं उस घर में पैसे हो या ना हो मुझे परवाह नहीं, उस घर में मेरे जैसा ससुर होना चाहिए और तुम्हारे जैसी सास। अपने घर में जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी अफेक्शन हैं, वो सब होने चाहिए। जिस घर में ये सब नहीं है, अपने जीते जी उस घर में लड़की नहीं दूंगा, चाहे वो दीदी का ही घर क्यों ना हो। जल्दी से खाना खा लीजिए, कोर्ट चलना।